दुर्योधन की पत्नी भानुमती का अपहरण कैसे हुआ? अपहरण करने वाले ने भानुमती के साथ में क्या किया? ये सारी कहानी आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, इस कहानी को ध्यान से और मन लगाकर पूरा सुनना। ये रहस्य महाभारत का बहुत बड़ा रहस्य है। इस अनसुलझे रहस्य को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय की बात है, बारिश के समय में भानुमती की जो संग सहेलियां थी वो झूला झूलने के लिए वन में जा रही थी। उनको देख करके भानुमती का मन भी ललचा जाता है और उसका अंदर से मन करता है कि मुझे भी झूला झूलने के लिए वन में जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे मेरे पति से आज्ञा लेनी पड़ेगी। ऐसा मन में विचार करके भानुमती अपने पति दुर्योधन के पास में चली जाती है और अपने पति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मेरे संग की सहेलियां हैं, वो झूला झूलने के लिए बाग में जा रही हैं, मुझे भी आज्ञा दे दो। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए उन्हें झूला झूलने की आज्ञा दे दी। उसके पश्चात भानुमती के साथ में 10,000 सेना दुर्योधन ने बागों के लिए रवाना कर दी कि भानुमती की सुरक्षा के लिए सेना सही रहेगी। सेना साथ में जाती है, भानुमती रथ में बैठ करके और बागों में झूला झूलने के लिए जाती है। जैसे ही झूला झूलते हुए भानुमती झूले का आनंद लेती हुई हंसती खिलखिलाती हुई अपनी सखियों के साथ में किलोल कर रही होती है, उसी वक्त आकाश मार्ग से एक तारक्ष नाम का राक्षस, जो बड़ा ही भयानक राक्षस था, वो जा रहा होता है और भानुमती की सुंदरता को देख करके उसका मन उस पर मोहित हो जाता है। जैसे ही भानुमती झूला लेती है तो आकाश में ही भानुमती को उस झूले से उठा करके और वो राक्षस ले जाता है। पेड़ पर सिर्फ झूला ही लटका रह जाता है। इसे देख करके भानुमती की सखियां और 10,000 सेना में हड़कंप मच जाता है कि भानुमती को कोई अपहरण करके ले गया। ये सूचना जब दुर्योधन तक पहुंची तो दुर्योधन को बड़ा ही क्रोध आया और अपने प्रिय मित्र कर्ण को उसने बुलाया और कहा, हे प्रिय मित्र कर्ण, मेरी पत्नी भानुमती का अपहरण हो चुका है। इस संसार में ऐसी किसी की हिम्मत नहीं जो दुर्योधन की पत्नी का अपहरण कर सके। ये तो लगता है कोई बड़ा ही राक्षस है। दुर्योधन और कर्ण दोनों अपनी सेना को लेकर के और सभी जगह भानुमती को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन पूरे संसार में उन्हें कहीं भी भानुमती का पता नहीं मिलता है। थक हार करके दोनों वापस अपनी माता गांधारी के पास में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हे माता, भानुमती का अपहरण हो चुका है और हमने सभी जगह उसे ढूंढ लिया है, लेकिन कहीं पर भी उसका सुराग नहीं मिला है। गांधारी कहने लगी, हे बेटे, मैं जो बात कहूंगी वो आपको बुरी लगेगी, लेकिन एकदम सत्य है कि आपने पांडवों के साथ में जो छल कपट किया है उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी बात जब माता के मुंह से सुनी तो दुर्योधन को क्रोध आ जाता है और अपने मित्र कर्ण को लेकर के पुनः भानुमती को ढूंढने के लिए चला जाता है। काफी कोशिशें करने के बाद भी भानुमती उन्हें नहीं मिलती है तो दोनों निराश होकर के पुनः अपने घर पर आ जाते हैं। उधर क्या हुआ श्रोताओं? भानुमती चीखते चिल्लाते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद करती है कि हे दीन दयाला, हे कृष्ण मुरारी, मैं आपको मेरी रक्षा के लिए पुकार रही हूँ। आपने द्रौपदी की लाज बचाई तो आप मेरी भी लाज अवश्य बचाना प्रभु। ऐसा कहकर के आकाश मार्ग से नीचे अपने नौलखे हार को पटक देती है भानुमती और वही नौलखा हार पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को मिल जाता है। द्रौपदी उस नौलखे हार को पहचान जाती है कि ये हार तो दुर्योधन की पत्नी भानुमती का है। मुझे लगता है कि भानुमती के प्राण संकट में है, उनकी इज्जत इस वक्त संकट में पड़ी हुई है। द्रौपदी और पांचों पांडवों सहित धर्मराज युधिष्ठिर उस हार को देखते तुरंत पहचान गए कि यह हार तो भानुमती का है और कहने लगे कि आज सच में ही भानुमती का अपहरण हो चुका है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर अपने अनुज भ्राता भीम को आदेश देते हैं
कि हे भीम, आप भानुमति की रक्षा के लिए जाइए। लेकिन भीम तुरंत मना कर देते हैं कि हे प्रिय भ्राता, दुर्योधन ने हमारे साथ में अन्याय किया है, हम उसकी पत्नी को नहीं बचाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भीम, दुर्योधन चाहे अन्यायी हो लेकिन है तो हमारा भ्राता, अगर हम उसकी पत्नी की रक्षा नहीं करेंगे तो इसमें हमारे वंश की ही बदनामी है, इसमें हमें ही नीचापन देखना पड़ेगा। संसार के सभी लोग हमसे ही कहेंगे कि थी तो आपकी भाभी, आपने बचाया क्यों नहीं। ऐसी बात जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कही तो भीम और अर्जुन दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और साथ में नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर सहित द्रौपदी भी उनके साथ में चल देती है। ढूंढते ढूंढते एक गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला लगी हुई थी और वहां पर उस भानुमती के सोने के कंगन पड़े हुए थे। उन्हें देख करके धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी पहचान गए कि ये कंगन तो भानुमती के हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि इस गुफा के प्रवेश द्वार पर इतनी बड़ी शिला है तो इस शिला के भीतर कोई ना कोई राक्षस अवश्य होगा और शायद वही भानुमती का अपहरण करके ले गया होगा। भीम ने अपनी गदा उठाई और अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष, दोनों ने उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा तो राक्षस हुंकार भरता हुआ युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे ही गांडीव धनुष से तीर निकलने लगे तो वो राक्षस उन तीरों को तिनके की तरह तोड़ मरोड़ कर फेंक देता और जैसे ही भीम ने उस पर गदा चलाई तो भीम की गदा को उस राक्षस ने गाजर मुनि की तरह तोड़ करके फेंक दिया। जब पांचों पांडवों की पेच उस राक्षस से नहीं पड़ती है और पांचों पांडव उस राक्षस से हारने लगते हैं तो पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगते हैं कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है, आज भी हमारी रक्षा करने के लिए आओ। इतनी ही देर में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की विनती को सुनकर के वहां पर आ जाते हैं और पांडवों से कहने लगते हैं कि सुनो पांडवों, ये राक्षस पूरा वज्र का बना हुआ है, इस प्रकार से आपके गदा और आपके तीरों से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसका सारा शरीर वज्र का है, इसकी सिर्फ गर्दन है वो कच्ची है, इसकी गर्दन पर वार किया जाए तभी इसकी मृत्यु निश्चित है। इतनी बात तो सुनी और भीमसेन ने उस राक्षस की गर्दन पर अपनी गदा चला दी और एक ही गदा से उस राक्षस का देहांत हो गया, उस राक्षस का अंत हो गया। इसके बाद में पांचों पांडव और द्रौपदी सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे भगवान, आपने समय समय पर आकर हमारी लाज बचाई है, आपसे बड़ा इस संसार में हमारे लिए कोई नहीं है। श्रोताओं, इस प्रकार से भानुमती का अपहरण करने वाले राक्षस का अंत किया गया और भगवान श्री कृष्ण भानुमती को पुनः दुर्योधन के पास में लेकर के गए और पांडव अपना वनवास काल काटने लगे। जय हिंद, जय भारत।